Children, today I will discuss the question number 11 of light chapter, that is NCERT, question number 10, chapter end question. Here it is given an object is 5 cm in length, ठीक है? तो एक object का height दिया हुआ है, ये 5 cm का है, ठीक है? And it is 25 cm away, मतलब u दिया हुआ है, it is 25 cm from a converging lens, ठीक है? Converging lens क्या होगा? This is the, will be the converging lens, ठीक है? ये converging lens हो गया, this is the lens, here optical center, this is focus, this is 2F, dash you can write, here it is focus and this is 2F, ठीक है? And it is a focal length, F is given 10 cm, तो आपको find करना height of image एंड पोजिशन, ठीक है? ये सब बताना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले ये देखो, दैट इज, इट इज कन्वर्जिंग लेंस, तो इमेज को इधर रखेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है? एंड फोकस, कन्वर्जिंग लेंस का फोकस हमेशा जिधर लाइट रे कन्वर्ज होता है उस साइड को लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो इट विल बी पॉजिटिव, ऑलरेडी आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोज, ठीक है? तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? सी, फोकल लेंथ इज 10, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? एंड तो इसका मतलब ये 2F कितना होगा, 20 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट 25 पे है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ये डिस्टेंस पे, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, सो क्या होगा इसका डायग्राम, इस तरह से होगा, लाइक दिस इट विल पास, ठीक है? दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं, देखो इमेज कहाँ बन रहेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है? एंड बाकी हम लोग फाइंड करते हैं, हियर इट इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर, द डायग्राम इज दैट. अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, देखिए मिडिल में मैंने डायग्राम बना दिया, सो हियर यू विल राइट यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/V - 1/U, इट इज इक्वल टू 1/F, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट अप करते हैं, ठीक है? इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? सो व्हाट इज 1/V, अगेन आई एम राइटिंग 1/V माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 1/F प्लस 1/U, ठीक है? अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, और 1/V, दैट इज F कितना था हमारा 10, प्लस U कितना था 25. अब देखो ये पॉजिटिव में था, माइन ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव में यहाँ डाल रहा हूँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव. आप एक स्टेप ज़्यादा भी करके लिख सकते हो, ठीक है? तो 1/V, यू टेक एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इट विल बी 50, 5 × 1 = 5, हियर इज 2, ठीक है? सो हियर वी विल गेट 1/V, दैट इज दैट यू कैन राइट 3/50, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे V इक्वल टू इन्वर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 3, दैट इज 16.67 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है इमेज का हमारा कितना हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक का, ठीक है? सो वी गॉट, मीन्स दैट वी कैन राइट द इमेज will be formed at a distance of 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है? Behind the lens. Behind the lens कहने का मतलब हुआ कि opposite side of the what object, object के opposite side में होगा, ठीक है? Up to here we got. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाइट फाइंड करना है, तो दैट वी यूज सेंस m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/U, ठीक है? तो हम लोग यूज कर लेंगे हाइट ऑफ इमेज के लिए V/U इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. V हमारा कितना था भाई, ये आ गया दिस वन, मतलब 50/3, ठीक है? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, और इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट है -25, ठीक है?
तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है. इट विल बी 50/3 इंटू 5, नेगेटिव भेज देता हूँ मैं ऊपर, इंटू 25, ठीक है. इट विल कैंसिल, तो इट विल बी -10/3, मतलब -3.33 सेंटीमीटर. तो आप लिख सकते हो कि दस द इमेज विल बी व्हाट रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है. रियल और होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड. और साइज क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे कि साइज दैट इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर. ओके, सो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रेन.